नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन लाइव और मैं हूं आपके साथ अंकिता मिश्रा। स्वागत है आपका हमारे प्रोग्राम अनसुना किस्सा में, जहां हम बात करते हैं उन बॉलीवुड सितारों की जो बड़े पर्दे पर आपको एंटरटेन करते हैं, लेकिन इनकी असल जिंदगी में क्या चल रहा है, किसके किसके साथ है कॉन्ट्रोवर्सी और किसका रहा अफेयर अधूरा, किसके साथ रही फाइट और कितना किसने किया स्ट्रगल। आज के जो हमारे किरदार हैं वो है काजोल देवगन। काजोल देवगन और अजय देवगन के बारे में लगातार जो बातें हैं वो की जा रही हैं। सोशल मीडिया पर डाइवोर्स काफी बड़ा मुद्दा काजोल और अजय देवगन के रिश्ते का बना हुआ है। अगर काजोल देवगन की और अजय देवगन के इंस्टाग्राम अकाउंट्स को आप खंगालेंगे तो इस बात का कहीं भी आपको अंदाजा नहीं होगा कि इन दोनों के बीच में दरार आई है। हाल ही में काजोल देवगन की वेब सीरीज द ट्रायल को अजय देवगन ने भी प्रमोट किया और इस तरीके से प्रमोट किया कि काजोल के बीच की दरार जो है वो पता ना चल पाई। हाल में ही काजोल के साथ अजय देवगन पूरी फैमिली के साथ ही वो डिनर पर गए थे, जहां की तस्वीरें भी उन्होंने सोशल मीडिया पर जो है साझा की और जो कैप्शंस लिखे वो काफी ज्यादा अलग थे। अब यहाँ पर ये सवाल बनता है कि क्या ये दोनों सच में डाइवोर्स लेने वाले हैं। इसी से जुड़ा एक अनसुना किस्सा आपको बताते हैं काजोल का। देखिए, सबसे पहले आपको बता दें कि अजय देवगन का नाम जो है जैसे ही डाइवोर्स की खबरें सामने आने लगी वैसे तबू के साथ जोड़ा जाने लगा है। अब बताया ये जा रहा है कि तबू की वजह से इन दोनों के बीच में दरार आ रही है और तबू की वजह से ही डाइवोर्स लेने का जो फैसला है वो किया है। तो एक और जहां तबू के साथ अजय का नाम जोड़ा जा रहा है तो वहीं काजोल के पिछले अफेयर्स की जो सुर्खियां हैं वो ज्यादा तेज हो गई हैं। एक वक्त ऐसा था जब काजोल का नाम शाहरुख खान के साथ जोड़ा जाता था। देखिए ये पुराना सुना किस्सा। इन दोनों सोशल मीडिया पर काजोल और अजय देवगन की खबरें काफी ज्यादा सुर्खियों में है। खबर ये सामने आ रही है कि तबू की वजह से अजय देवगन काजोल को डाइवोर्स देने वाले हैं। कहा यह जा रहा है कि तबू अब अजय देवगन की जिंदगी में आ चुकी है। कहा तो ये भी जा रहा है कि यह तबू की वजह से ही काजोल भी अजय देवगन से काफ़ी भड़क गई हैं और साथ ही काफ़ी लंबे वक्त से वो दोनों एक दूसरे से अलग रह रही हैं। अब इसमें कितनी सच्चाई है ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन आपको बता दें कि जहां एक और काजोल देवगन के पति अजय देवगन और तबू के रिलेशन की बात सामने आ रही है तो वहीं एक और किस्सा काजोल से जुड़ा हुआ भी सामने दिखाई दे रहा है। दरअसल ये किस्सा है शाहरुख खान और काजोल का। एक वक्त ऐसा था जब बॉलीवुड के गलियारों में ये अफवाहें उड़ाई जा रही थी कि शाहरुख और काजोल एक दूसरे को पसंद किया करते हैं, जबकि उस वक्त इनकी शादी हो गई थी। अब इन अखबारों की खबरों ने लगातार उनके घरों में आग लगा दी थी। कोई सोच भी नहीं सकता था कि शाहरुख खान और काजोल के बारे में ऐसी बातें भी छापी जा सकती हैं। जब भी बॉलीवुड में किसी रोमांटिक कपल का नाम सामने आता तो शाहरुख और काजोल की चर्चाएं होने लगती और इस पर जब इंटरव्यू के दौरान शाहरुख खान से सवाल पूछा गया कि क्या सच में आप काजोल को पसंद करते हैं तो इस पर शाहरुख खान ने जो जवाब दिया उसे सुन करके कोई भी हैरान हो ही जाएगा। बता दें कि एक वक्त ऐसा था जब अजय देवगन के होते हुए भी अफवाहें जोरों पर थी कि काजोल शाहरुख और शाहरुख काजोल को पसंद करते हैं। फिलहाल अगर बात करें शाहरुख की तो शाहरुख के साथ ही पहली बार नहीं था, इससे पहले प्रियंका चोपड़ा के साथ भी उनका नाम जोड़ा गया था। हालांकि कहा यह जाता है कि दोनों शादी करना चाहते थे लेकिन समाज की वजह से दोनों ने अपना फैसला बदल दिया। तो वहीं कहा यह भी जाता है कि बॉलीवुड में एक वक्त ऐसा था जब ये दोनों काफ़ी ज़्यादा हिट फिल्म दे रहे थे और कई फिल्मों में नज़र आ रहे थे। DDLJ काजोल और शाहरुख खान की सबसे हिट फिल्म मानी जाती है और कहा यह जाता है कि इन्हीं के साथ इनकी लव स्टोरी की शुरुआत हुई, लेकिन ये महज एक अफवाह भर ही थी जिसको शाहरुख खान ने खुद खारिज कर दिया था। एक इंटरव्यू में जब शाहरुख खान से इस बारे में सवाल पूछा गया तो शाहरुख ने जो इसका जवाब दिया उसे सुन करके आपके होश उड़ जाएंगे। दरअसल एक इंटरव्यू में जब शाहरुख से पूछा गया कि वो क्या सच में काजोल को पसंद करते हैं, ऐसे में शाहरुख खान ने काजोल संग अपने अफेयर की जो बातें थी उसे पूरी तरीके से खारिज कर दी और कहा कि ये महज एक अफवाह है। उन्होंने कहा कि काजोल एक बच्ची है और तनुजा आंटी
उनकी बेटी हैं, इसलिए वो मेरी बहन के जैसी हैं और गौरी भी उन्हें पसंद करती हैं। शाहरुख इतना ही नहीं रुके, शाहरुख ने आगे जो बातें कही उससे लोगों का दिल जीत लेंगे शाहरुख। शाहरुख ने आगे अपने मर्यादा के बारे में बात की थी। शाहरुख कहते हैं कि मैं अपनी मर्यादा के बारे में काफ़ी सहज हूँ, मुझे पता है कि मुझे किसके साथ कहाँ लाइन क्रॉस करनी है। मैं अपने को स्टार्स का बहुत सम्मान करता हूँ, मैंने जूही, माधुरी, मनीषा, शिल्पा, सोनाली, सुचित्रा, कृष्णमूर्ति, उर्मिला के साथ काम किया है, लेकिन मैंने कभी भी इनके साथ कोई भी ऐसा व्यवहार नहीं किया जिसकी वजह से इनको ठेस पहुँचे। मुझे एक्ट्रेसेस की सुंदरता भी कभी भी प्रभावित नहीं करती है, शायद यही मेरे में एक खास बात है। शाहरुख ने आगे इंटरव्यू के दौरान और भी कई बातें कही। बता दें इसके अलावा शाहरुख खान ने जूही के साथ अपने अफेयर की खबरों पर भी जवाब दिया, जहाँ प्रियंका चोपड़ा और काजोल के अफेयर की चर्चाएं उन दिनों काफ़ी ज़्यादा थी, तो वहीं जूही का नाम भी बाद में सामने आया था। शाहरुख खान ने खबरों पर कहा कि जूही मेरे से कोई भी अफेयर उसका नहीं है, और साथ ही ये भी कहा कि ये सारी बातें अफवाह हैं, मैं तो क्या उनके साथ भी काम करना बंद कर दूँ। ये जूही चावला के ऊपर अफेयर की बातें करने वाले लोगों को शाहरुख खान ने तंज के रूप में कहा। उन्होंने कहा कि क्या मैं काजोल के साथ अफेयर की खबरों को सुनकर उनके साथ काम करना बंद कर दूं? साथ ही सवाल ये भी उठाया कि क्या मैं जूही के साथ काम करना बंद कर दूं? ये सब बेकार की बातें हैं और ये बहुत ही शर्मनाक हैं। सभी हीरोइंस एक दूसरे से बिल्कुल बेहतरीन हैं और अलग हैं। शाहरुख खान के साथ कई एक्ट्रेस का नाम जुड़ा और कई एक्ट्रेसेस के साथ उन्होंने अफेयर की खबरों का खंडन भी किया। इंडस्ट्री में कदम रखने से पहले गौरी खान और अपने बच्चे आर्यन और सुहाना के साथ आलिशान जीवन अब शाहरुख खान बिता रहे हैं, और साथ ही काम के साथ अब एक्टर अपने परिवार को ध्यान दे रहे हैं। तो वहीं अगर काजोल की बात करें तो काजोल का जीवन अस्त व्यस्त होने वाला है। कहा यह जा रहा है कि काजोल अब जल्द ही डाइवोर्स लेंगे। यूँ तो ये खबरें महज एक अफवाह थी, लेकिन इन अफवाहों ने अब डाइवोर्स की खबरों के साथ तूल पकड़नी शुरू कर दी है। अब देखना यह है कि डाइवोर्स का जो किस्सा अजय देवगन और शाहरुख खान का जारी है, जिसमें काजोल भी हैं, ये कब खत्म होगा और क्या सच में 24 साल पुराना ये रिश्ता हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा? क्या काजोल देवगन की जोड़ी अजय देवगन के साथ कभी भी दिखाई नहीं देगी? तो आज की हमारी जो किरदार थी वो थी काजोल देवगन, जिनके अनसुने किस्से के बारे में आपने जाना। एक ऐसे ही कलाकार के साथ, एक ऐसे ही किरदार, एक ऐसे ही अनसुने किस्से के साथ फिर से लौटेंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, देखते रहे नेक्स्ट 9 लाइफ।